सभी को नमस्कार। तो शुरुआत करने के पहले एक बार सबको याद दिलाना चाहूंगा कि ये एक मुस्कुराने वाली साधना है। तो ये जो समय हम सब लोग साथ में अभी अगला 1.5 घंटा हम बिताएंगे, तो जब जब याद रहे तो मुस्कुराते रहिए। आपकी साधना में भी लाभ होगा और इस सत्र में भी आपको ज्यादा आनंद आएगा। तो पिछली बार हमने चर्चा करी थी जो ध्यान के अलग अलग स्तर होते हैं क्षमता विपश्यना में। कुछ लोग शायद पिछली बार नहीं आए थे, तो एक थोड़ी संक्षेप में मैं दोहरा दूंगा। और आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे जो इसके बाद जो चार हमारे अरूप ध्यान समापति होते हैं, जो चार स्तर हमारे पहले चार स्तरों के बाद होते हैं। तो जैसे हमने चर्चा करी, शमत विपश्यना में जो खासियत है, ये दोनों प्रैक्टिस जो कि कई लोग अलग अलग मानकर अलग अलग करते हैं, इनको साथ में करने का जो सबसे बड़ा लाभ है, वो लाभ ये है कि न केवल आप मन के भटकाव और मन के हलन चलन की प्रक्रिया से आप परिचित हो रहे हैं, लेकिन ये परिचय करने के लिए जो आपके मन का स्तर है, जो आपका स्टेबिलिटी है आपके मन की, वो स्टेबिलिटी भी आप साथ में बढ़ाते जा रहे हैं। तो शमत आपको ये स्टेबिलिटी बढ़ाने में हेल्प करता है, जो कि इसका जो अनुभव होता है वो अलग अलग ध्यान के स्तरों द्वारा होता है। 8 स्तर होते हैं और जैसे आप इन स्तरों में बढ़ते जाते हैं, आपके मन की गहराई और आपकी जो समता है या इक्वानिमिटी है, ये बढ़ते जाते हैं, आपके मन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। और इसमें जो मन की प्रक्रियाएं होती हैं, जो हमारा ध्यान एक चीज पर, जो हमारे साधना के वाहन पर या साधना के वस्तु पर टिका होता है और वहां से भटक कर किसी और विचार में फंस जाता है, तो ये जो प्रक्रिया होती है पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने, तो इस प्रक्रिया में ऐसा नहीं है कि एक जगह था और तुरंत दूसरी जगह पहुंच गया। इसकी एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया से जैसे हम परिचित होते हैं, इससे हमें इनसाइट्स मिलते हैं, यानी विपश्यना होती है जिससे हमें समझ में आता है कि हमारे मन की प्रक्रिया आखिरकार हो कैसे रही है। तो शमत विपश्यना में जो हमारे स्तर होते हैं, इनकी हम चर्चा कर रहे थे पिछले स्तर में और पिछले सत्र में। और दोबारा मैं जो पहले चार हैं वो सर एक बार याद दिलाता हूँ। तो पहली बार जब हम 6 कदमों का इस्तेमाल करते हैं, 6 R's का इस्तेमाल करते हैं किसी विचार को, जब कोई विचार जो हमारे ध्यान को भटका रहा हो और वहां से हम वापस लेकर आते हैं, धीरे धीरे इस विचार की का जो बलबूता बना हुआ है, जो तृष्णा है, जो एक खिंचाव तनाव है जो हमारे मन में महसूस हो सकता है, तो धीरे धीरे ये तृष्णा कम होते जाती है। हो सकता है एक बार आप 6 कदमों का प्रयोग करें तभी बिल्कुल बहुत कमजोर हो जाए तृष्णा इस विचार में, या हो सकता है कि बार बार वो विचार आए, बार बार आप 6 कदमों का इस्तेमाल करके, 6 R का इस्तेमाल करके आप अपने ध्यान को वापस अपने साधना के आलंबन पर लेकर आ पाए। जब ऐसा होता है तो एक समय ऐसा आता है कि इसमें तृष्णा इतनी कम हो जाती है कि मन विचारों के खिंचाव तनाव से थोड़े देर तक बच जाता है, थोड़ी एक स्थिरता आती है। पहली बार जब ये अनुभव होता है तो एक काफी एक औत्साहिक खुशी और संतुष्टि, जो सुख और प्रीति पाली में कहते हैं, तो इनका अनुभव होता है। पहली बार जो ऐसी खुशी का आपको अनुभव होगा, अगर पहली बार आप इस प्रथम ध्यान समापति में जब आप पहुंचेंगे, तो ऐसा अनुभव होगा जो कि आपको बाकी जो लौकिक या व्यवहारिक जीवन में जो खुशी का अनुभव होता है उससे काफी अलग रहता है। इसके साथ आपको ये अनुभव होगा कि आपका मन जो आपकी साधना का वाहन है उस पर बहुत आराम से टिका हुआ है, क्योंकि हमारे मन में बाकी विचारों की जो तृष्णा है वो थोड़ी ढीली हो गई है, तो हमारे ध्यान को खिंचाव तनाव उस पर कम हो रहा है। हमारे मन में जो शारीरिक एक खिंचाव तनाव पैदा होता है वो भी कम हो जाता है और मन आराम से
ज्यादा टाइम तक उस वस्तु पर, यानी मंगल मैत्री की भावना जो हम अपने आप को या अपने आध्यात्मिक मित्र को भेज रहे हैं उस पर टिका रहता है। तो ये हमारा प्रथम ध्यान समापति है। जैसे हम और छह कदमों का इस्तेमाल करके और जो विचार आते हैं जो हमारे ध्यान को भटकाते हैं उनके साथ हम वही सही, जो सही व्यायाम है, राइट एफर्ट है जो एट फोल्ड पाथ में, तो सिक्स आर के जरिए वो हम राइट एफर्ट जैसे करते जाते हैं तो फिर उसमें तृष्णा कम होती है और हम द्वितीय ध्यान समापति में पहुंच जाते हैं। इसमें ऐसा अनुभव होता है कि खुशी और संतुष्टि का अनुभव होता है जो कि पहले ध्यान समापति में भी हुआ था, लेकिन ये थोड़ा कम औत्साहिक होता है, ज़्यादा संतुष्टि के ओर रहता है। इसके साथ ही आपके मन में जो एक अंतरी एक वार्तालाप चल रही होती है, जो इंटरनल मेंटल चैटर जिसे कहते हैं, कि आप किसी बारे में सोचते हैं तो आप ऐसा लगता है कि आप खुद उसके बारे में कुछ कह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं या उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है एक मन में जो बात चलती रहती है, तो द्वितीय ध्यान समापति में या दूसरा ध्यान जो कहते हैं उसमें ये काफ़ी शांत हो जाती है। और हमारे जीवन में मतलब ऐसी शांतता का शायद अनुभव हमें पहले ना हुआ हो, और साथ में ही इस शांतता के साथ हमें बहुत एक विश्वास और उत्साह आता है कि हम सही तरीके से कर रहे हैं। तो एक जैसे पिछले सत्रों में हमारी चर्चा हुई थी कि एक प्रकार का जो हिंड्रेंस होता है, जो अड़चन होता है हमारे ध्यान में, वो डाउट या संशय का होता है कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या मैं सही समझा हूँ, क्या मैं अपने विचारों के साथ सही कर रहा हूँ, क्या मैं रिलैक्स ठीक कर रहा हूँ, क्या मैं रिलीज ठीक कर रहा हूँ, ये सारे सवाल उठते रहते हैं। पर ये जब हम द्वितीय ध्यान समापति में पहुँचते हैं तो हमारे मन में जो गहराई आती है उससे हमें काफ़ी विश्वास या कॉन्फिडेंस आता है कि हम सही तरीके से अपनी साधना कर रहे हैं। यहाँ से और जब भी कोई विचार हमें किसी भी ध्यान समापति से खींच ले जाए तो हम उस ध्यान में नहीं रहें, मतलब विचार में अगर हमारा मन फंस जाता है जिस पर हमें सही व्यायाम या शिक्षार का प्रयोग करना होता है, तो उस समय हमारा मन उस ध्यान में नहीं रहता वापस। अगर उतनी ही तृष्णा कम हो जाए, उतनी ही खिंचाव तनाव कम हो जाए तो वापस हम उस ध्यान में आ जाएंगे, या फिर वापस हम अपनी साधना के वस्तु के साथ मंगल मैत्री जैसे भेजते रहें धीरे धीरे, और तृष्णा करते कम करते हुए हम दोबारा उस ध्यान समापति में पहुंच सकते हैं। तो इसी तरह जैसे मन की गहराई बढ़ती जाती है तो द्वितीय ध्यान समापति से हम तीसरे ध्यान समापति में पहुंचते हैं। एक चीज मैं कहना भूल गया जो सावन जी ने दो तीन सत्रों पहले भी इसकी चर्चा करी थी, जो ये जो शांतता आती है द्वितीय ध्यान समापति में, दूसरे ध्यान में, उसे नोबल साइलेंस भी कहते हैं। मतलब ये एक इसलिए कहते हैं क्योंकि इस तरीके की जो गहरी शांति होती है वो आम जीवन में, व्यावहारिक जीवन में हमें इसका अनुभव नहीं कर पाते, तो उसे नोबल साइलेंस कहते हैं। तीसरे ध्यान समापति में क्या होता है कि पहली बार हमारे मन में समता या इक्वानिमिटी, मतलब किसी चीज़ की अच्छाई बुराई से ना खींचना या लोभ और द्वेष जो है कि ग्रीड या हेट्रेड से अफेक्ट होना काफ़ी कम होने लगता है, ये तीसरा ध्यान है। इसके साथ ही हमारे जो शारीरिक एहसास हैं, जो अलग, जैसे कभी खुजली हो रही है, कभी कहीं दर्द हो रहा है, कभी हिचकी आ रही है, ये सब जो एहसास होते हैं, तो ये भी बहुत शांत होने लगते हैं। ऐसे नहीं कि आपको एहसास नहीं होंगे, लेकिन ये एहसास ऐसे नहीं है कि जो आपके मन को खींच जाए। ऐसा होगा कि आप अगर अपने हाथ पैरों के ऊपर ध्यान ना रखें तो आपको मानो अनुभव ही नहीं होगा कि आपके हाथ और पैर हैं, जैसे डिसअपीयरिंग लिम्स भी कहते हैं से, ऐसा लगता है कि ये गायब हो गए। आप उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो तुरंत उसका अनुभव होगा, या कोई स्पर्श होता है, कोई बड़ा स्पर्श होता है कि जैसे कोई मक्खी मच्छर आके बैठ गया
या हवा चल गई या कुछ गीलेपन का एहसास हुआ, तो वो स्पर्श जो है उसे हम समझ पाएंगे, लेकिन हम उनका जो अनुभव है कि हमारे हाथ पैर हैं यहाँ किस आसन में रखे हुए हैं, इसका अनुभव कम होने लगता है। चौथे ध्यान समापति में जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो हमारी समता और ज्यादा बढ़ती है और पेन और प्लेजर का जो हमें अनुभव होता है वो कम होने लगता है। इसके साथ ही हमारे जो शारीरिक अनुभव होते हैं वो भी काफी कम होने लगते हैं। तो चौथा ध्यान समापति आता है जिसके आगे हम ये आखिरी हमारा एक रूप ध्यान बोलते हैं। ऐसा ध्यान है जिसमें हमें शरीर का फिर भी काफी एहसास होता है। इसके आगे जो ध्यान के स्तर हैं, जैसे हम उसकी तरफ जाना शुरू करते हैं तो हमारे शारीरिक अनुभव बिल्कुल कम हो जाते हैं। इनको अरूप ध्यान भी कहा जाता है। कई परंपराओं में इसको पांचवें, छठे, सातवें, आठवें ध्यान की तरह कहा जाता है और कई परंपराओं में इसको चौथे ध्यान के ही अलग-अलग हिस्से या अलग-अलग आयतन, अलग-अलग बेस की तरह माना जाता है और इनपे थोड़ी आज चर्चा करेंगे। और ये मेरे बताने का एक उद्देश्य ये भी है कि ये जो मैं अलग-अलग लक्षण बता रहा हूँ कि एक खुशी का अनुभव होना, एक उत्साह का अनुभव होना या एक संतुष्टि का अनुभव होना, दूसरे ध्यान में एक मन की शांति और गहराई का अनुभव होना, तीसरे ध्यान में बदन के शरीर के आपके अनुभव थोड़ा कम होना, चौथे ध्यान में ऐसा होता है कि जो मंगल मैत्री की भावना है वो जो आपके हृदय में केंद्रित थी वो आपके सर की तरफ बढ़ने लगी, क्योंकि आपके शरीर का एहसास आप अनुभव कम होते जा रहा है तो केवल जो एक मन का एहसास या अनुभव जहाँ पे आपको हो रहा है वहीं से आपको लगेगा कि मंगल मैत्री भी आप अपने आध्यात्मिक मित्र को वहीं से भेज रहे हैं। तो ये जो लक्षण है, ये लक्षण अगर आप अपने साधना में देखते हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि ऐसा लक्षण आपने अनुभव किया है। हो सकता है आपके साधना में कुछ आपको अलग करना पड़े या कुछ बदलना पड़े, ये एक प्रगति के लक्षण हैं। तो आगे आपको कैसे आपकी साधना करनी चाहिए ये बताने के लिए आप मुझे अगर कहेंगे कि ये लक्षण का अनुभव हुआ है तो मैं आपको उसमें सहायता दे सकता हूँ, तो इसलिए मैं ये बताना चाह रहा था। अब हम अरूप ध्यानों पर जाते हैं। चौथे ध्यान समाप्ति के बाद क्या होता है, एक तो हमारे शरीर का एहसास बिल्कुल ही कम हो जाता है, साथ में ऐसा लगता है कि हमारे मन में बिल्कुल तनाव एकदम से बहुत कम हो गया। ऐसा लगता है कि हमारा मन हर तरफ हर दिशा में बढ़ते जा रहा है, मतलब फैलते जा रहा है। इस जो पांचवें ध्यान को आकाश आयतन भी कहते हैं या अंग्रेजी में कहते हैं बेस ऑफ इनफाइनाइट स्पेस, संस्कृत में इसको आकाश अनंत आयतन ऐसे कहते हैं, इनफाइनाइट स्पेस। इसमें ऐसा हमें अनुभव होता है कि हमारा मन बहुत बिल्कुल बिना सीमा के असीमित हो गया है और हमारे जो हम मंगल मैत्री की भावना भेज रहे थे वो भावना में भी जो भाव होता है उस भाव में भी थोड़ा अंतर होता है, ये थोड़ा और नरम हो जाता है। इसको करुणा का भाव कहते हैं। जो चार हमारे ब्रह्म विहार हैं, मंगल मैत्री या मित्ता, करुणा या कंपैशन जिसे कहते हैं, मुदिता या जॉय जिसे कहते हैं, और आखिरी है उपेक्षा, इसे कहते हैं संस्कृत में, पाली में, हिंदी में हम इसको समता कह सकते हैं, जिसका अर्थ है इक्वानिमिटी। तो ये जो चार हमारे ब्रह्म विहार हैं पहले से सातवें ध्यान तक, ये उस ध्यान के स्तर का आधार बने रहते हैं। तो पांचवें ध्यान में हमारी जो मंगल मैत्री की भावना है, जो भाव है, इसका थोड़ा रूपांतर होता है, ये एक करुणा में परिवर्तित हो जाता है, एक थोड़ी नरमी आती है। आपको जरूर इसका अनुभव होगा कि ये इसका एक जो टेक्सचर कहते हैं या जो इस भाव की जो खासियत है वो थोड़ी आपको उसकी पहचान थोड़ी अलग आपको पता चलने लगेगी। तो
तो ये हमारा पांचवा ध्यान या आकाश आयतन, बेस ऑफ इनफाइनाइट स्पेस हो गया। जब आप इस ध्यान पर पहुंचते हैं तो आपको, क्योंकि आपका मन इतना असीमित और बिना तनाव खिंचाव के होने लगा है, तो जैसे कोई भी आपके स्पर्श होता है। पहले हमने चर्चा करी हुई है कि हर एक मानसिक प्रक्रिया का एक ही एक पैटर्न या एक तरीका होता है कि पहले एक स्पर्श होता है, जो कोई जिसके उदाहरणार्थ हमने बात करी थी कि एक ध्वनि आती है, एक हमारे कान है, हमारे शरीर का आयतन या सेंस स्पेस है, और हमारी एक सुनने की क्षमता या सुनने का विज्ञान है। ये तीनों जब एक साथ आते हैं कि ध्वनि पड़ी, हमारी सुनने का विज्ञान वहां पे मौजूद है, मतलब हम सो नहीं, बहुत गहरी नींद में नहीं सो रहे हैं जैसे कि, तो या हम बहरे नहीं हैं जैसे, तो इनका जब मिलन होता है तो उसे स्पर्श कहते हैं। इस स्पर्श से एक वेदना या फीलिंग उत्पन्न होती है, ये एक स्टिमुलस कह सकते हैं इसको, एक सिग्नल प्रोड्यूस होता है कि ऐसी ध्वनि का स्पर्श हुआ है। उस वेदना के प्रतिक्रिया में, उसके रिएक्शन में, एक हमारे मन में तृष्णा पैदा होती है या क्रेविंग पैदा होती है कि क्या ये हम पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम उस वेदना से इंडिफरेंट रह जाएं। तो जैसे हमें ये पसंद आए या ना पसंद आए, उसके हिसाब से आगे हमारी कहानियां बनती रहती हैं। जैसे हमारे सोच विचार हैं, जैसे हमारी आदतें हैं, जैसे हमारे मन के सोचने के कुछ ढंग हैं कि किस चीज पर मैं कैसी प्रतिक्रिया करता हूँ, कि कैसे रिएक्ट करता हूँ मैं, किस सिचुएशन में किस चीज को कैसे इंटरप्रेट करता हूँ, ये सारी चीजें होती हैं कि उसके उस ध्वनि के आगे पीछे हमारी एक कहानी जुड़ने लगती है कि ये मुझे क्यों पसंद है, क्यों नहीं पसंद है। मैं एक जो जीव हूँ, मेरे कॉन्टेक्स्ट में ये क्या महत्व रखता है या नहीं रखता है, और इससे हमारे पूरे एक दुनिया या जीवन के एक मानसिक निर्माण होता है कि हमारी दुनिया क्या है, हमारी यूनिवर्स क्या है, हम मेंटली प्रोड्यूस करते हैं, और उसमें उस जो स्टिमुलस से जो हमारे विचारधारा बनी उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, और आगे हमारे हैबिचुअल टेंडेंसीज के हिसाब से हमारी एक्शंस होती हैं और वो एक्शंस खत्म होते हैं। तो जब हम पांचवें ध्यान में, जो हमारे अरूप ध्यान है, वहां पे हम पहुंचने लगते हैं, तो हमारी तृष्णा इतनी कम हो चुकी होती है कि इसमें जो स्पर्श होता है और स्पर्श के बाद जो हमारी तृष्णा पैदा होती है, जो क्रेविंग शुरू होता है कि ये हमें पसंद है नहीं पसंद है, इसका धीरे धीरे, इस ये जो खिंचाव तनाव है, पहले हम बिल्कुल एक विचार में भटक जाते थे तब हमें पता लगता था, अब थोड़ा पहले पता लगने लगता है, क्योंकि हमारे मन में जो एक बेस लेवल है, एक खिंचाव तनाव, एक तृष्णा का, वो काफी कम हो। इसका और ज्यादा अनुभव होगा अगले ध्यान में, जो जिसे विज्ञान आयतन कहते हैं या संस्कृत में विज्ञान अनंत आयतन कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं बेस ऑफ इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस। इसे क्यों कहते हैं इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, क्योंकि इस ध्यान में जब हम जाते हैं, इसमें हम सारे जो ये स्पर्श हो रहे हैं और स्पर्श से जो हमारी साथ में जो कॉन्शियसनेस अराइज हो रही है स्पर्श के समय, जो एक सुनने देखने सोचने की क्षमता है जो वो जो उभर रही हैं और आगे इसको ले जा रही हैं, तो इनका धीरे धीरे हमें अनुभव होने लगता है। जैसे भंते कई बार अपने टॉक्स में कहते हैं कि एक जैसे चुटकी है, इस चुटकी में आप मतलब करोड़ों जो आपके कॉन्शियसनेस उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये एक ध्वनि नहीं है अलग से, बहुत सारी ध्वनियां उत्पन्न होती हैं जब ऐसे कुछ काम होता है। या जैसे आप रोशनी के बारे में बात करें तो सबको ज्ञान होगा कि जैसे फोटॉन्स होते हैं, कि कितने मिलियंस ऑफ फोटॉन्स हमें बहुत एक छोटे से समय के इंटरवल में हिट करते हैं। तो धीरे धीरे जो हमारा छठा ध्यान है, हमारे जो विज्ञान आयतन जो है, इसमें हम ज्यादा बारीकी से ये एक एक स्पर्श जो हो रहा है उसका भी अनुभव करना शुरू करेंगे। इससे क्या होता है कि कई बार एक जो हमारा कोई आयतन हो हमारे कान में या हमारी जो हल्की रोशनी का अनुभव हो रहा है हमें बंद आंखों में भी या हमारी त्वचा पर, हमें एक फ्लिकरिंग, या मतलब जैसे अगर आप देखें कि कई बार जैसे पंखा
पंखे को देखते समय ऐसा लगता है कि वो ठीक से नहीं घूम रहा है, वो एक पर्टिकुलर स्पीड पे लगता है कि वो अटक अटक के घूम रहा है, या फिर पुराने जैसे प्रोजेक्टर में फिल्म हॉल में या मूवीज में दिखाते हैं कि कई बार उसका स्पीड अगर एडजस्ट नहीं होता है तो थोड़ा अटक अटक के चीजें दिख रही हैं। तो वैसे एक अटक अटक के किसी एक हमारे आयतन या सेंस बेस पर हमें सेंसेशंस होगी, और इसका इसकी वजह यही है क्योंकि हमारी मन इतना गहरा इतना स्थिर हो गया है कि हमें अलग अलग जो स्पर्श हो रहे हैं उसका भी धीरे धीरे अनुभव हो रहा है। हमें इसकी आदत नहीं है तो ये जो इसका अनुभव होता है थोड़ा अजीब सा लगता है कि आपके आम जीवन से बहुत हटा हुआ सा लगता है। इसी के साथ इस छठे ध्यान में या इस बेस ऑफ इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस में आपको काफी एक खुशी का अनुभव होगा। तो इस ये मुदिता कहते हैं इसको, अंग्रेजी में कई लोग ट्रांसलेट करते हैं कि जॉय इसे कहते हैं, अनसेल्फिश या सेल्फलेस जॉय भी कहते हैं इसको, बट मतलब वो मेरे ख्याल से क्वालिफिकेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा अभी मायने नहीं रखता, क्योंकि हम अनुभव कर रहे हैं एक उस जॉय को, उस खुशी को। तो ऐसा हमें लगता है कि हम मंगल मैत्री की जगह शुद्ध खुशी या एक सुख का एक भाव हम भेज रहे हैं। तो ये दो तीन चीजें आपकी बदलने लगती हैं, आपको अलग अलग जो स्पर्श हो रहे हैं इसका अनुभव होने लगता है, आपके किसी एक आयतन या सेंस बेस पे आपको थोड़ी फ्लिकरिंग या बार बार बहुत तेजी से बारीक बारीक छोटे छोटे स्पर्श होते हुए आपको महसूस होंगे, और आपकी जो आपका जो भाव है जो मंगल मैत्री से करुणा में बदला था वो खुशी के भाव में बदल जाएगा। तो इसमें भी आपको अंतर पता लगने लगेगा कि आप एक वो खुशी उठती है और वो खुशी ही वो भाव बन जाती है जो आप भेज रहे हैं। तो ये हमारा छठा स्तर है, बेस ऑफ इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस या विज्ञान अनंत आयतन। इसके बाद आपका मेरे ख्याल से आज हम इसी पे रुकते हैं, काफी सारी चर्चा हो गई है। आखिरी जो दो स्तर हैं हमारे जो उनका मैं सिर्फ नाम आज बता देता हूँ, बेस ऑफ नथिंगनेस कहते हैं या शून्यायतन कहते हैं सातवें ध्यान के स्तर को। यहाँ पे हमारी हमारा जो भाव है ये मुदिता से समता या उपेक्षा अर्थात इक्वानिमिटी में बदल जाता है, और आठवां जो ध्यान है उसे कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं नाइदर परसेप्शन नॉर नॉन परसेप्शन या अर्थात नैव संज्ञा न संज्ञायतन। तो ये थोड़े और सटल ध्यान के स्तर हैं, आज मेरे ख्याल से इनकी चर्चा ना करें तो बेहतर है, अगली बार इन दोनों पर थोड़ा गौर करेंगे। तो ये मैं एक बार कहना चाह रहा था, तो जैसे दोबारा एक बार दोहराऊंगा मैं कि हम क्षमता विपश्यना में जैसे हमारी प्रगति होती है तो हम अलग अलग ध्यान के स्तरों से गुजरते हैं जो हमारे मन में एक स्थिरता लाते हैं, गहराई लाते हैं, और मन की प्रक्रिया जो हो रही है उसको हम जैसे कि आप स्लो मोशन में कोई चीज देखें तो आपको बहुत सफाई से वो नजर आती है, या माइक्रोस्कोप में देखें तो बहुत सफाई से नजर आती है। तो एक तरीके से हम एक बहुत स्थिर हमारे मन का बेस बनाकर वहां से हम बहुत बारीकी से हमारे मन की प्रक्रियाओं को देख पा रहे हैं, जिससे हमारी विपश्यना यानी जो इनसाइट्स हमारे मानसिक प्रक्रियाओं पर की के बारे में जो इनसाइट्स होती हैं तो वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगती हैं, कि हम समझने लगते हैं कि कैसे हम हर बार एक इम्पर्सनल जो हमसे जुड़ा नहीं हुआ एक जो वो स्पर्श होता है जिस जो हमारे एक जीवन जो हमारे लिए बहुत निजी नहीं है, और वहां से कैसे हम अपने संसार और हमारे अपने जीवन का निर्माण अपने मन के द्वारा करते हैं और वहां से हम अलग अलग कर्म करते हैं। तो इस प्रक्रिया के बारे में हम धीरे धीरे समझना शुरू करते हैं, और जैसे ये समझते हैं तो हम ये भी समझना शुरू करते हैं कि इस प्रक्रिया में कहीं हम जितनी जल्दी हम समझें और 6 आवर्स का उपयोग करें, 6 कदमों का उपयोग करें तो हम
प्रतिक्रिया करने की जगह, रिएक्शन करने की जगह, कि एक हमारी जो आदतें हैं, हर बार हम जैसे एक तरीके का स्पर्श होता है तो वही उसी आदत में हम वही काम करते रहेंगे, हजार बार हो तो हजार बार वही काम करेंगे, ऐसे एक जो कंपल्सिव नेचर होता है हमारा, तो उससे हटकर हम एक कॉन्शियस नेचर की तरफ जा सकते हैं कि जहाँ किसी एक प्रसंग या किसी एक संदर्भ में सबसे जो उचित काम हो, जो शीलतापूर्वक काम हो, जो दूसरों की भी भलाई करे, हमारी भी भलाई करे, ऐसे कर्म हम कर सकें, और इससे हमारे आने वाले जो मन की स्थिति होती है, जो मन की खुशी होती है, वो उसका भी ये आधार बनता है कि कुशलतापूर्वक जैसे हम काम करते हैं, कुशलतापूर्वक अपने ध्यान के साथ पेश आते हैं, उस तरीके से हमारे आगे के दौर में हमारे मन की खुशी, मन की कुशलता और आध्यात्मिक जीवन में हमारी जो प्रगति है, ये सारी बनी रह सकती है। तो इसलिए ये ध्यान के बारे में जानना उचित है, क्योंकि ये हमारे साधना में प्रगति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण एक आप कह सकते हैं कि आपके एक स्टडी के लिए एक ये बेस है या फाउंडेशन है। बस इतना ही अभी कहना चाहूँगा। तो अभी हम सामूहिक साधना करते हैं, ग्रुप साधना करते हैं, उसके बाद आधे घंटे बाद मैं बेल बजाऊंगा और फिर हम प्रश्नोत्तर शुरू कर सकते हैं।
सभी को नमस्कार। कुछ मुस्कुराते हुए चेहरे दिख रहे हैं मुझे। अब प्रश्नोत्तर आरंभ कर सकते हैं। मैं एक कमेंट देना चाहता हूँ। आज का सेशन आप जो बताए थे क्रेविंग के बारे में, बहुत इफेक्टिव लगा मेरे को, क्योंकि बहुत आसान, बहुत सिंपल भी लगा। क्योंकि जब माइंड अपना अटेंशन जब एक अपना ऑब्जेक्ट से भटकता है, ये इसलिए भटक रहा है कि वहाँ पे थोड़ा क्रेविंग स्टार्ट हुआ है, और उसको जैसे ही विस्तार से निकाल देते हैं और क्रेविंग चला गया। वो आप जो तरीके से बताए थे वो बहुत इफेक्टिव लगा मेरे को। थैंक यू। यू वेलकम। एंड शायद ये बंते विमलरम सी ने सबसे बड़ा तो योगदान किया है कि क्रेविंग को हमेशा एक बहुत ही हाई लेवल या मेटा फिनोमेनन की तरह ट्रीट किया गया, कि मतलब क्रेविंग का अर्थ डिजायर की किसी चीज का आप डिजायर मत रखो। मतलब एक बहुत ऐसे लोगों ने, कई लोगों ने ऐसे समझा कि हाँ नहीं, हमें किसी चीज की ओर आकर्षित नहीं होना। लेकिन गौतम बुद्ध ने जो साधना सिखाई, जो धर्म सिखाया, तो उसमें वो जो क्रेविंग है, जो तृष्णा है, ये केवल एक हाई लेवल आकर्षण या डिजायर नहीं है, बल्कि एक मैकेनिज्म है। ये एक्चुअली एक मैकेनिज्म है, एक बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही एक स्पेसिफिक चीज की बात करी। और इसके लिए मतलब ये बंते विमलरम सी का सबसे बड़ा योगदान मैं बताऊंगा। और इसके लिए जरूरी है ये चीज समझने के लिए, ये शमत और विपश्यना को साथ में करना बहुत जरूरी है। क्योंकि केवल आप विपश्यना करते हैं तो आपका मन इतना स्थिर नहीं होता कि आपको उसकी तृष्णा की समझ आपकी बढ़ सके। और केवल आप शमत करते हैं बिना जो आने वाले भटकने वाले विचारों को आप बिल्कुल आने नहीं देते हैं, क्योंकि आपका मन इतनी तेजी से इतनी जकड़ के जुड़ जाता है आपके मेडिटेशन ऑब्जेक्ट के साथ, आपके जो साधना का वाहन है। तो उस समय भी हम ये जो प्रक्रिया हो रही है, जो तृष्णा उत्पन्न हो रही है, इसको नहीं हम समझ पाते। तो ये इसलिए ये टेक्निक भी बहुत जरूरी है, और इसको ये तृष्णा से परिचित होना हमें बहुत जरूरी है। तृष्णा और उपादान, जिसे अंग्रेजी में क्रेविंग एंड क्लिंगिंग कहते, इन दोनों चीजों में क्या अंतर है? तो इनको मैं ब्रॉडली एक कैटेगरी में डालूंगा कि जो एक कंपल्सिव बिहेवियर है, जो तृष्णा उपादान और जो भाव है, हमारे हैबिचुअल टेंडेंसीज हैं, ब्रॉडली एक हाई लेवल पे समझने के लिए कहूंगा कि ये हमारी एक कंपल्सिव नेचर है, कि एक चीज पे हम हर बार एक आदत के तौर से एक तरीके की प्रतिक्रिया या रिएक्शन कर जाते हैं। तृष्णा और उपादान में अंतर ये है कि तृष्णा बिल्कुल एक शुरुआत है, कि जो हमारी वेदना आती है, जो कोई स्पर्श होता है उससे जो एक वेदना उत्पन्न होती है, एक फीलिंग उत्पन्न होती है कि ये मुझे पसंद है या नहीं पसंद है, ये एक हमारे बहुत ही एक एनिमल ब्रेन के लेवल पे हम चीज़ों को प्रोसेस करते हैं। क्योंकि एक प्राणी को जीवित रहना है तो अपने खतरों से उसको परिचित होना पड़ेगा, और जो उसका पोषण है उससे भी परिचित होना पड़ेगा। तो ये समझने के लिए एक सबसे स्टार्टिंग मैकेनिज्म है, आई लाइक इट और आई डोंट लाइक इट, और उस पर आगे प्रक्रिया करते जाने के लिए कि आई लाइक इट है अगर, तो क्या मुझे कुछ एक्शन लेना चाहिए
या आई डोंट लाइक इट है, मुझे पसंद नहीं है कोई चीज, तो क्या उस पर कोई मुझे एक्शन लेना चाहिए? इसके लिए ये तृष्णा न केवल इस स्टेप में रहता है इम्पोर्टेंट, लेकिन आने वाले उपादान और भाव में भी ये उसका हिस्सा रहता है। थोड़ा कृष्णा उसको आगे बढ़ाता है इस प्रक्रिया को। उपादान में क्या होता है कि हम अपनी कहानी उसमें पहली बार इंट्रोड्यूस करते हैं कि मुझे ये क्यों पसंद नहीं, कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ इसलिए मुझे पसंद नहीं है, या मैं कुछ करना चाह रहा हूँ और ये मेरे लिए ज़रूरी है लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। जैसे जो उदाहरण हमने पहले भी हमने यूज़ किया था कि हम ध्यान करने बैठे हैं और पड़ोसी का कुत्ता भौंक रहा है, तो सबसे पहले जो स्पर्श होता है वो ध्वनि आती है, कान और हमारी सुनने की विज्ञान या क्षमता साथ में आते हैं, एक वेदना उससे उत्पन्न होती है, एक पेनफुल फीलिंग, और वहाँ पे हमारी क्रेविंग या तृष्णा उत्पन्न होती है कि ये मुझे पसंद नहीं है। तो उपादान के समय इस पे कहानियाँ जुड़ने लगती हैं कि एक बार मुझे हफ्ते में ध्यान करने का मौका मिलता है, मेरा पड़ोसी हमेशा मेरे बारे में ऐसे ही सोचता है या इनकंसिडरेट है कि मेरे ज़रूरतों को नहीं समझता है, जो उसे उसका मन है वही करता है। तो उपादान में थोड़ी वो कहानी हमारी बनने लगती है कि ये जो स्पर्श हुआ, ये जो एक छोटी सी एक घटना, एक माइक्रो इवेंट जो हुआ है, क्या वो मेरी ज़िंदगी में क्या मायने रखता है, और वहाँ से हमारी जो एक हमारे मन में हमेशा एक संसार उत्पन्न होता है, एक जो रियलिटी है। तो जैसे हमारी विजन भी है, जो हमारी देखने की क्षमता है, इसमें साइंटिफिकली ऐसा होता है कि अगर हम अपना हाथ बढ़ा के रखें तो हमारे अंगूठे का जो नाखून है उतने ही इंफॉर्मेशन को हमारा 97% जो हमारे दिमाग की शक्ति है वो उतने ही इंफॉर्मेशन पे बैठी रहती है, बाकी सारी हम प्रिडिक्ट करते हैं, हम अनुमान लगाते हैं कि अगर जैसे हम घर पे हैं, हम परिचित हैं, तो हमें अनुमान होता है कि यहाँ खिड़की है, यहाँ पर्दे हैं, हम उस पर बहुत उतना ध्यान नहीं देते। तो इसी तरीके से जब भी कोई उपादान होता है तो एक हमारे पास एक सर्टन इंफॉर्मेशन होता है जो कि फैक्ट होता है, जो कि रियलिटी होती है, और उसके आगे पीछे जो होती है वो हमारे मन ने प्रिडिक्ट किया है या एक कहानी बनाई है ताकि उसको समझने में सरलता हो कि इस पर क्या प्रक्रिया लेनी चाहिए। तो हमेशा हमारा मन कोशिश करता है कि किसी भी चीज़ को शुरुआत से या फर्स्ट प्रिंसिपल से उसको समझने के जगह, क्या मैं किसी मेरी एक आदत या किसी मेरे एक पहले ही समझी हुई जो चीज़ है क्या उससे मैं जोड़ सकता हूँ। जैसे गणित में हम कई बार गणित के प्रॉब्लम्स होते हैं तो हमेशा हमारा एफर्ट रहता है कि कोई जो हमने पहले गणित का प्रॉब्लम सॉल्व किया हो उसी के बराबरी में लेके आ जाएं, देख लें कि कौन सा हमारे अनुभव में, हमारे तजुर्बे में है जो चीज़ हमने करी है और वो हमें सॉल्व करना आसान होता है। तो यही प्रक्रिया होती है। तो उपादान हमारे एक जो क्लिंगिंग होती है तो अपनी एक स्टोरी उसमें प्रेजेंट करने की कोशिश करती है कि ये मेरी क्या स्टोरी है, और उसके बाद जो मैं कंपल्सिवनेस का थर्ड पार्ट में कहूँगा वो हमारा भाव या हैबिचुअल टेंडेंसीज है कि जब मैं ये कहानी बनाता हूँ किसी प्रसंग में तो उस कहानी से जुड़े हुए मेरे 10-15 बिल्कुल आदतीय चीज़ें होती हैं। जैसे कई लोग तकिया कलाम यूज़ करते हैं सेंटेंस के एंड में, अपने पंक्तियों में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे ही हमारे अंदर एक आदतों की कुछ आदतें होती हैं कि हमेशा मैं ऐसे करूंगा, या तो मैं चिल्लाऊंगा अपने पड़ोसी पे, या दरवाज़ा पटकूंगा, या उसके बारे में सोचते रहूंगा परेशान होके। ये भी एक हैबिचुअल टेंडेंसी या आदत है कि हम किसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, और या तो ये सोचते हैं कि अगली बार क्या मैं उसको बोलूं, या मैं उसका नुकसान मैं कैसे कर सकता हूँ, ऐसे सोचने की भी आदत हो सकती है, या कोई एक्चुअल फिजिकल एक्शन हो सकता है कि आप दरवाज़ा बंद कर रहे हो, दूसरे कमरे में जा रहे हो या कुछ कर रहे हो। तो हाँ, ये थोड़ा हमारा जैसे तृष्णा है वहाँ पे आई लाइक इट और आई डोंट लाइक इट की शुरुआत होती है कि मुझे पसंद है ये चीज़ या नहीं पसंद है। क्लिंगिंग या उपादान जो है वहाँ पे
इस पे कहानियां जुड़ने लगती हैं कि क्यों पसंद नहीं है, मैं कौन हूँ, आप कौन हो, ये किस संदर्भ में ये घटना हुई है। और जब ये कहानी बन जाती है तो एक उसके जो उपयुक्त हमें लगता है कि ये हमारी जो आदत में से जो एक कार्य है या जो कर्म है जो हम कर सकते हैं, वहां पे हमारा खुद ब खुद हम बढ़ जाते हैं इसके। थैंक यू। राजीव जी, तो इसमें से जैसे आपने बताया कि अगर आप इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, यू नो, वंस यू एबल टू आइडेंटिफाई दैट ओके दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग, एंड आई मीन यू नो थ्रू दिस होल टेक्निक ऑफ मेडिटेशन, सो आर यू सपोज टू जस्ट बी एन ऑब्जर्वर टू इट, or then the next time when you are in a similar situation you go against it, you know, you sort of change the tide of the way you've been flowing? Nice question, Anshuman ji, thank you. To Anshuman ji ka sawal ye tha ki kya hum jab samajhne lagte hain ki kis tarike ki prakriya ho rahi hai तो क्या हम सिर्फ ये बस हर बार देख रहे हैं, देखने बैठे हैं कि क्या हो रहा है और हर बार समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, कि क्या हम अगली बार उसको उसके विरुद्ध जो हमारी आदतें हैं उसके विरुद्ध हमें जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो अंशुमन जी, मेन चीज जो मैंने बोला था एक कि ये कंपल्सिव पैटर्न्स होते हैं। तो कंपल्सिव जब पैटर्न्स होते हैं इसमें हमारा कोई हमारी एक समझदारी या हमारी कुशलता का कोई योगदान होता नहीं, ये बस हमें आदतें हमारी बैठ गई हैं। इसमें एक तो हमारे शील भंग हो सकते हैं कि जैसे हमें बिल्कुल हमारी आदत हो सकती है कि किसी की बुराई करना, और ये बुराई हम मन में भी करें तो भी एक तरीके से वो हमारे जो तृष्णा बढ़ाने, जो भी हम आज हमारे मन में जो अभी प्रक्रिया होती है वो हमारे आने वाले समय में हमारे मन की स्थिति जो है कि कितनी कुशलतापूर्वक है, कितनी बिना तृष्णा के है, कितना सुख, कितनी सुखद स्थिति है हमारे मन की, ये सारी चीजें हमारे आज के कर्मों से अफेक्ट होती हैं। तो जो हम कंपल्सिवली हम करेंगे इसमें एक तो हम समझ नहीं रहे हैं कि हमारे मन की क्या प्रक्रिया हो रही है, और इसमें हमारे शील भंग होने की बहुत क्षमताएं होती हैं कि हम इतनी बार अगर आप देखेंगे कि जब आप उत्तेजित हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, ये एक लक्षण है कि आप बिल्कुल भी आप वो समझ नहीं पाए और तृष्णा का ने बिल्कुल आपके मन को जकड़ लिया है, और आपके जो सारे जो कार्य हो रहे हैं वो एक इन्हीं के बलबूते, तृष्णा के ही बलबूते हो रहे हैं, ज़्यादा कंपल्सिव हैं, आदत पे निर्भर हैं, और ये जो हमारी एक्शंस होती हैं इसमें ज़्यादा हमारे अकुशल मन में हमारे संभावना ज़्यादा है कि ये या तो लोभ से जुड़ी होंगी या द्वेष से जुड़ी होंगी, ऐसी संभावना ज़्यादा है। तो हम एक कुशलता सीख रहे हैं कि हम जब समझे कि तृष्णा ने जकड़ लिया है, उस समय एक व्याख्या हुई है, एक प्रसंग हुआ, एक घटना घटी है ना, कि कुछ आपको ध्वनि सुनाई दी है, जैसे ही आपको समझ में आया कि मुझे ये सुनते ही मेरे मन में द्वेष घृणा पैदा हो रही है और ये तृष्णा इसका लक्षण है, जैसे ही हमने समझा तो हमने उसको रिलैक्स किया। और ऐसा नहीं कि हम सारे टाइम एक ऑब्जर्वर ही बन के रहें, हमें व्यावहारिक जीवन में पार्टिसिपेट भी करना है। तो हमने जैसे ये तृष्णा कम करी और ये उसके साथ ही ये द्वेष और घृणा का जो विचार था जो हमारे मन को जकड़ गया वो हमने एक तरफ रख दिया, और हमने केवल देखा कि ये ध्वनि आई, हमें पता है कि हम ये ध्वनि हमें परेशान करती है, या तो हम ध्यान में उस ध्वनि को वैसे ही छोड़ के हम चले जाएं, वापस अपने ध्यान पे लग जाएं, तो आपकी ध्यान की जो स्थिरता है वो बढ़ेगी, तो आप वैसे ही कर पाएंगे, बस ये एक एग्जांपल है। या आप कुशलतापूर्वक काम ये कर सकते हैं कि जाके अपनी खिड़की बंद कर लें, ना आपने लड़ना है, ना परेशान होना है, ना ये सोचना है कि कल आप क्या बर्ताव करोगे अपने पड़ोसी के साथ। तो धीरे धीरे हम अपनी कार्यों में, हमारे कर्मों में कुशलता लाते रहते हैं, ताकि जो हमारे पंचशील हैं कि किसी का नुकसान ना करना, किसी को हानि ना पहुंचाना,
किसी को किसी की ना दी हुई चीज ना लेना, झूठ ना कहना, किसी की बुराई ना करना, दो लोगों के बीच में लड़ाई ना करवाना, गलत सेक्सुअल कॉन्डक्ट नहीं करना, मदिरा या नशे के पदार्थों का सेवन नहीं करना, क्योंकि इनका सेवन हम करते हैं तो हमारा जो कंपल्सिव बिहेवियर है वो बढ़ते जाता है, और जो हम कार्य आज करते हैं वो हमारे कल के मन की स्थिति पर असर करता है। समझ गया, थैंक यू। त्रिमूर्ति जी आप कुछ कहना चाह रहे हेलो। हाँ सर जी। हाँ सर, मेरे साथ संतुष्टि का भाव तो होता है पर जो आंख से आंसू निकलते हैं मैं उसका मतलब समझ नहीं पा रही हूँ, क्या है? आंख से आंसू निकल रहे हैं आपके? हाँ, संतुष्टि का भाव तो होता है पर आंख से खुद ही आंसू होते हैं, वो क्या समझ नहीं पा रही हूँ मैं। क्या ये आपके साधना के दौरान निकल रहा है? हाँ, साधना के दौरान ही होता है, जब मैं करती हूँ तो मिथा। थोड़ा मुझे बताएंगे कब होता है ये, जब आप प्रसंग याद करते हैं, जब आप मिथा फ्रेंड के साथ जब मंगल मैत्री करते हैं ना तब आंसू खुद निकल आते हैं। आपकी मंगल मैत्री का भाव काफी जोरदार है, काफी स्ट्रॉन्ग है मेरे हिसाब से, शायद इससे भावुक हो जा रहे हैं। इसको आप इग्नोर करिए, सिक्स आर करिए, और वो भाव जो है आपको एक चीज करनी है, आप जो पुरानी जो कहानी या जो खुशद सुखद जो घटना घटी है उसके बारे में अगर आप सोचते रहेंगे तो ज्यादा भावुक हो जाएंगे। आपने ये करना है, जब वो सुखद घटना आपने याद करी उसमें जो भाव था, जो भाव उस समय आपने महसूस किया था, वही भाव आपके हृदय के केंद्र में लाना है और अपने दोस्त को भेजना है। तो एक चीज ये करेंगे कि आप ज्यादा उस कहानी में नहीं घुसेंगे, केवल वो भाव याद करके वो भाव अपने अपने आप को या अपने मित्र को भेजना है। इससे थोड़े कम भावुक होंगे। और दूसरी चीज है, अगर आंसू निकल भी आते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उसको जैसे कोई उस पर अगर आपका मन जाता है, विचार जाता है, तो सिक्स आर करके, छह कदमों का इस्तेमाल करके वापस अपनी साधना पर आ जाइए, ठीक है? इसमें कोई बुराई नहीं है। और बस यही मैं कहूंगा कि कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि अगर वो उसी घटना के बारे में सोचते रहते हैं कि कब हुआ, क्या हुआ, और उस भाव पे ज्यादा अपना ध्यान नहीं रखते हैं, तो कई बार वो घटना से जुड़ी चीजों को लेकर भावुक हो जाते हैं। तो बस वो थोड़ा आप ध्यान रखें कि वो भाव आपने लाना है और वो भाव अपने आप को देना है। लेकिन ये कई लोगों के साथ होता है कि जो घटना होती है वो इतनी सुखद होती है कि कई बार लोगों के मतलब दिल भी भर आता है और उसके साथ ही आंसू भी भर आते हैं। ओके, थैंक यू। राजीव जी, कई जगह कहा गया है कि ध्यान में केवल देखना है और कुछ नहीं करना, तो अगर हम ये रिलैक्स स्टेप भी अगर नहीं करेंगे, केवल देखेंगे, तो इससे क्या होगा? देखिए, अगर हम रिलैक्स स्टेप नहीं करते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो हमारे अगर हमारे ध्यान जो है हमारे साधना के आलंबन पर था, भटका हमने पहचाना, लेकिन हमने रिलैक्स स्टेप नहीं यूज किया तो हमारी तृष्णा कम नहीं हुई। हम वापस जब लेकर आए तो हम जब हम ऐसा काम करते हैं कि बिना हमारे भटके हुए मन में जो भटका जो भटकाने वाला विचार है उससे जो जुड़ी तृष्णा है वो अगर हम कम नहीं करते हैं तो हमारे मन को वापस लाने के लिए हम उससे भी ज्यादा तृष्णा लेकर आते हैं कि आई लाइक माई मेडिटेशन ऑब्जेक्ट, कि मुझे मुझे साधना का आलंबन पसंद है, मुझे अभ्यास करना पसंद है,
तो ऐसे उससे भी बड़ी तृष्णा हम लेकर वापस अपने ध्यान को अपने साधना के वस्तु पर लाते हैं। और ऐसे करते करते क्या होता है कि धीरे धीरे हमारी जो तृष्णा है हमारे साधना के वस्तु या वाहन के साथ वो इतनी बढ़ जाती है कि अन्य जो विचार आते हैं या जो मन में स्पर्श होते हैं तो ये तृष्णा इतनी जोर की है कि आपके ध्यान को यहीं पे अटका के रखती है, आपको बाकी चीजों का अनुभव होता नहीं है। अनुभव नहीं होता तो उससे जो आपको शिक्षा मिलती है वो शिक्षा नहीं मिल पाती है। ऐसे इस तरीके से जो प्रैक्टिस करते जो अभ्यास करते हैं उनके साथ कई बार ऐसा होता है कि आप उनके कान के पास आके ताली बजाओगे तो भी उनको सुनाई नहीं देगा। एक कौशलता है इसमें भी कि इतने आगे पहुंच पाए, लेकिन इसमें जो कमी है ये कमी है कि इसमें हम एक तृष्णा अपने मन में पैदा कर रहे हैं साधना के आलंबन पर। हम जैसे मंगल मैत्री का एक उपयोग करने का एक बहुत बड़ी वजह यह है कि ये खुद ब खुद आपके मन में तृष्णा कम करती है, लेकिन अगर हम बिना रिलैक्स करे हुए वापस अगर अपने साधना के आलंबन पर लेकर आए अपने ध्यान को तो उसमें अलग हमारी तृष्णा आएगी और धीरे धीरे हमारी जो मन की प्रक्रिया को देखने की क्षमता है। इसके लिए दोनों चीजें जरूरी हैं कि मन स्थिर हो और बाकी जो मन में स्पर्श हो रहे हैं उनसे जो जुड़ा हुआ हलन चलन हो रहा है, हमारे मन का भटकाव हो रहा है, वो देखने की क्षमता भी उतनी ही जरूरी है ताकि हमें सचमुच इस पूरी प्रक्रिया का ज्ञान हो पाए। डॉक्टर साहब और कोई सवाल नहीं है तो अब हम प्रार्थना कर सकते हैं और आज का सत्र यहीं समाप्त कर लेते हैं। सबसे विनती है कि डॉक्टर साहब के साथ एक बार ये उनके पीछे पीछे पढ़ सकते हैं। दुख ग्रस्त हो दुख मुक्त, भय ग्रस्त हो भय मुक्त, शोक ग्रस्त हो शोक मुक्त, हो सुखी सब प्राणी, हमने किया जो यह पुण्य संपादन, सभी संपदार्थ सभी देव दे उसे अनुमोदन, आकाश और भूमि के महासिद्ध देव नाग करे पुण्य का अनुमोदन, चीरकाल रखे बुद्ध शासन, चीरकाल रखे बुद्ध शासन, चीरकाल रखे बुद्ध शासन, साधु साधु साधु। थैंक यू मधु जी, थैंक यू राजू जी।